हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप? मेरा तो व्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन जो ये टिप्स मैं आपको बता रही हूँ वो हम सब फॉलो करते हैं और हम सब की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप सबके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, और हेल्थ हमारी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। स्वस्थ रहने के कुछ उपाय। नंबर वन, सुबह के टाइम 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। नंबर टू, 8 से 12 गिलास पानी सिप सिप करके ज़रूर पिए, वो भी दिन में, एक दिन में आप 8 से 12 गिलास ज़रूर पिए। नंबर थ्री, सुबह कभी खाली पेट चाय मत पिया करें, उससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नंबर फोर, अपनी दवा को कभी भी ठंडे पानी से ना लें। नंबर फाइव, जब कभी आपको थकावट हो अदरक की चाय ज़रूर पिए। नंबर सिक्स, रात को दूध पिया करें, इसमें कैल्शियम होता है और इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। नंबर सेवन, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च खाएं, और स्टार्च तो आपको पता है वो चावल में होता है, आलू में होता है, और स्टार्च खाने से हमारा जो स्टोमैक है वो बिल्कुल हेल्दी रहता है। नंबर एट, दही, दही खाएं, इसमें हेल्दी बैक्टीरिया होता है, जो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो हेल्दी रहता है। और दही आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, या फिर लंच में भी ले सकते हैं, या फिर डिनर में भी ले सकते हैं, लेकिन दही बहुत ज़रूरी है। एक तो उससे आपकी स्किन भी ग्लो करती है। नंबर नाइन, बादाम को शाम को आप पानी में डाल के रखें, और सुबह आप बादाम के छिलके उतार के 2-3 बादाम ज़रूर लें। उससे भी आपका एक तो माइंड, दिमाग तेज़ रहेगा और आपकी स्किन ग्लो करेगी। नंबर टेन, नहाने के बाद कान के पीछे तेल ज़रूर लगाएं, उससे आपका दिमाग तेज़ रहेगा। नंबर अलेवन, हफ्ते में एक बार नारियल पानी ज़रूर पिएं, उससे जो रंग होता है वो गोरा होता है। नंबर ट्वेल्व, भैंस के दूध में खजूर डाल के पिए, उससे जो है कद लंबा होता है। नंबर थर्टीन, खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ का ज़रूर लें, उससे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक रहता है। मेरी ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आने वाली हैं, और आप इन्हें ज़रूर फॉलो करें। मैं भी इनको फॉलो करती हूँ, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये टिप्स कैसे लगी। मैं व्लॉगिंग के साथ साथ आप सबके साथ घरेलू उपाय भी शेयर करूँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।